पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती रो रही है, न्याय की लगा रही गुहार। उड़ीसा राज घराने से जुड़ा है एक हाई प्रोफाइल परिवार, जिससे वीपी सिंह की पोती का नाता, अब उन्हें उत्तराखंड से मदद की दरकार। वीपी सिंह की पोती को सीएम धामी पर भरोसा, धामी के पुलिस पर विश्वास, बस एक अदद मदद चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती एक ऐसे दौर से गुजर रही है, उस दौर से बाहर निकलने के लिए धामी सरकार से उन्हें मदद की दरकार है। सीएम धामी की पुलिस से मदद चाहिए, वो गुहार लगा रही है, मदद चाहिए सरकार, अपनों ने सताया, आप कुछ भी कर संज्ञान ले लीजिए। उड़ीसा में उनका ससुराल है, मायका यूपी में है, मदद उन्हें उत्तराखंड से चाहिए, उत्तराखंड की पुलिस से। पूछने वाले पूछ रहे हैं, वीपी सिंह की पोती का आखिर उत्तराखंड से क्या नाता, आखिर उसे क्या हुआ कि वो गुहार लगाने के लिए मजबूर हो गई। इस पूरे माजरे को समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट को आखिर तक देखना होगा। दरअसल ये मामला उड़ीसा राज घराने से जुड़ा है, एक हाई प्रोफाइल परिवार का मामला है। 23 नवंबर 2017 में वीपी सिंह की पोती अधरिजा मंजरी सिंह का विवाह उड़ीसा राज घराने के वारिस अर्केश सिंह के साथ बड़े धूमधाम से हुआ। अधरिजा मंजरी के पति अर्केश नारायण सिंह देव बोल नकीर के राज परिवार से वास्ता रखते हैं। अर्केश सिंह देव उड़ीसा के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बीजू जनता दल राजनीतिक दल के नेता हैं। अर्केश सिंह देव पूर्व बोलांगीर विधायक अनंगा उदय सिंह देव के सबसे छोटे बेटे और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंह देव के परपोते हैं। उनके बड़े भाई कलिकेश नारायण सिंह देव भी बीजेडी से सांसद हैं, जो उड़ीसा में बोलांगीर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सवाल, जहां अधिराजा खुद एक हाई प्रोफाइल परिवार से हैं, आखिर उनके साथ क्या हुआ कि वो उत्तराखंड में आकर न्याय की गुहार लगाने लगी? आखिर उनके पति ने क्या किया जो कि उन्हें देहरादून में न्याय की गुहार लगाने आना पड़ा? शिकायतकर्ता अधिराजा भंडारी के मुताबिक उनके ससुराल पक्ष का एक घर देहरादून में भी है। यही कारण है कि शिकायतकर्ता महिला अधिराज मंजरी ने अपने पति अर्केश और ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट और घरेलू हिंसा को लेकर राजपुर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न होने के चलते डीजीपी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अधरिजा का आरोप है कि संबंधित थाना राजपुर से कार्रवाई न होने के चलते डीजीपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। डीजीपी ने देहरादून एसएसपी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल मामला पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती अधिराज मंजरी सिंह देव के साथ ससुराल बालू की ओर से मारपीट और घरेलू हिंसा का है। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि उनके पति और ससुराल वालों ने शादी के कुछ समय बाद ही दहेज में करोड़ों रुपए की मांग को पूरा करने के लिए मानसिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। आरोप के अनुसार सितंबर 2022 में महिला के पति अर्केश द्वारा न सिर्फ तलाक लेने के लिए कागज भेजे गए, बल्कि पत्नी को घर से बाहर निकालने की सुनियोजित योजना भी बनाई गई। वीपी सिंह की पोती ने यह भी आरोप लगाया, वर्तमान में पति ने घर पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे के अलावा गार्ड सहित अन्य कर्मचारियों को उन्हें तंग और परेशान करने की नियत से रखा है। 30 सितंबर को मैं यहाँ देहरादून पहुंची और मैंने राजपुर रोज थाने में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, जो मेरी सास है और मेघना राणा, ये चारों पे और अर्केश नारायण सिंह देव, तो इनों की, क्योंकि ये लोग मेरे को घर से निकालने चाहते थे। अपने स्टाफ से हमको गाली गलोच बहुत दिलवाया, बहुत ज्यादा ही दिलवाया, मैं बहुत सही हूँ। कैमराज भी लगवाए, तो एक कैमरा मेरे कमरे के अंदर के तरफ ये लोग पॉइंट किए, ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। मैंने ऐसे क्या किया कि आप हमको इतना परेशान कर दे, इतना, ये जो मेरा, मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस भी दर्ज किया है और ये अभी सब ज्यूडिस है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में शायद बताना ठीक नहीं होएगा। वही दूसरी तरफ शिकायतकर्ता महिला के पति का आरोप है कि उसको गलत फंसाया जा रहा है। पत्नी उससे न सिर्फ 100 करोड़ की डिमांड कर रही है, बल्कि उड़ीसा के एक विधानसभा सीट से एमएलए चुनाव का टिकट की भी मांग कर रही है। उसी सब के चलते ड्रामा रचा जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, उत्तराखंड पुलिस को इस बात की तह में जाकर पता लगाना चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा, दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाना चाहिए।